ट्रिनिटी इज इंडिविजिबल एंड इलिमिटेबल। सॉवरेंटी कैसी हो सकती है? सॉवरेंटी के अपने गुण हैं। कहता है कि सॉवरेंटी का अपना गुण यह है, यह हॉब्स की फिलॉसफी है, कहता है तो सॉरी ऑस्टिन की फिलॉसफी है, कहता है सॉवरेंटी इज इंडिविजिबल एंड इलिमिटेबल। सॉवरेंटी को डिवाइड भी नहीं किया जा सकता और लिमिट भी नहीं लगाई जा सकती। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉवरेन, इफ इंडिया इज सॉवरेन, नो वन कैन लिमिट द पावर ऑफ द सॉवरेन, एंड इवन द पावर ऑफ द सॉवरेन कैन नॉट बी डाइल्यूटेड ऑल्सो, और इट कैन नॉट बी डिवाइडेड ऑल्सो। सपोज अप्लाई दिस ऑन आर्टिकल 370, व्हाट विल से? Someone want to say in this matter कि पावर तो ये था, वो था, ऐसा था, वो था, वैसा था, दुनिया भर की कहानी। सॉवरेन की पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, सॉवरेन की पावर को लिमिट नहीं किया जा सकता, और सॉवरेन की पावर को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता, और सॉवरेन की पावर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर सॉवरेन की पावर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, और भारत में संविधान सॉवरेन है, तो अगर हम जम्मू कश्मीर के किसी इनलार्ज स्टेट लिस्ट को संविधान कह दें, तो दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज इन द रियल सेंस सॉवरेन? नो, नॉट एट ऑल। इट कैन नॉट बी द सॉवरेन इन द रियल सेंस। क्यों? क्योंकि द पावर टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राज्य में संविधान बनाने की शक्ति भी कहां से मिली? भारत के संविधान से। और भारत के संविधान से अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शक्ति मिली, क्या हम कहते नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेबर लॉस? दुनिया भर के कानूनों को हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते हैं क्या? कहते हैं। अगर शब्द कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर दिया गया, इट डज नॉट मीन दैट द सॉवरेंटी इज बिलोंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेबर लॉस। Sovereignty does not belongs in the constitution of the Jammu and Kashmir, because constitution of the Jammu and Kashmir is the supreme law. No. From where they acquired the power? From the constitution of India. और constitution of India कहां से power ले रहा है? That itself is sovereign. इसलिए उसको शक्ति लेने की आवश्यकता नहीं है, उसके ऊपर कोई controller है नहीं है, उसके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं है, सब कुछ वही है, तो इट्स अ फाइनल। ठीक है।